हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आज है दिन फ्राइडे और आज बच्चों की छुट्टी और अभी सुबह का टाइम है। आपको दिखाती हूँ, दिन निकल गया है और टाइम हो रहा है अभी 7 बज रहे हैं और हम सब रेडी हैं। अभी हम जा रहे हैं कहीं। कल रात हम गए थे शादी में, वहाँ कैसे मैंने कुछ शूट नहीं किया और आज हम जा रहे हैं महावीर जी, तिजारा जी, बसुआ जी, देखते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है प्रोग्राम। और हम जा रहे हैं, मतलब ये मैं, बच्चे और मेरे मम्मी पापा, क्योंकि वो आ गए हैं हापुड़, तो बच्चों की छुट्टी है आज भी, कल भी और संडे, तो इसलिए हमने सोचा, काफ़ी टाइम से मन था महावीर जी तिजारा जी जाने का, बच्चों का काफ़ी टाइम से नहीं गए थे। मतलब ये होता है कभी कोई चला जाता, कभी कोई, तो बस हमने सोचा कि चलो चलते हैं क्योंकि आगे आगे हो जाएगी ठंड, फिर नहीं जाया जाएगा। तो बस यहाँ पर रूम वूम ना मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया, क्योंकि जब आएंगे तो थोड़ा सा ना बैठने लायक मिल जाए रूम, बस इतना। तो थोड़ा सा ना बेडशीट वगैरह की तह लगा के थोड़ी सी बेडशीट ठीक कर दी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा हमारे साथ ही यहाँ आए और बस नित्य नहा रही है अभी, फिर हम निकलेंगे और मम्मी पापा हमें मिलेंगे सीधा आनंद विहार, तो उनको वहाँ से पिक करना। वो लोग निकल गए हैं बस, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, बस भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी डिस्टेंस हापुड़ टू दिल्ली, हापुड़ टू आनंद विहार। तो बस लॉक वॉक कर दिया है, अभी पैकिंग मैंने कल ही करी, रात हम आए थे शादी में से 11:30 बजे, तभी मैंने पैकिंग करी और बहुत सारे कपड़े भी धोए। जरूरी है सबका। मम्मी आ गई। मम्मी आ गई। मम्मी किस बात में आ रही? चीकू कहाँ बैठ गई? रात में लेट हो गया था सोने में। और अब हम पहुंच गए हैं तिजारा जी और टाइम हो रहा है 11:15। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ना ठंड है ना गर्मी है, मतलब धूप भी ना अच्छी लग रही है। अब हम बस दर्शन करेंगे और दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं। टाइम हो रहा है 12:00। वाटर बंद करो। बस तो थोड़ा बहुत गुस्सा हो रही है ना, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। मेरी बेटी मोटी नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से बसुआ जी के लिए। अभी हाँ ना शोर हो रहा है आज, पापा के लिए पापा की भूख लग रही है ना, पापा का भी तो ध्यान रखना है ना बेटे, शुगर है पापा को, उनका ध्यान रखना है। मैं तो यहाँ आई है आलू का।
गया बस। इन अम्मा से पूछो, अम्मा बताने के लिए फोन कर जरा अम्मा को, उनका कि मैं बस वाली पहुंच गई, कर जरा मिला पूछो इन अम्मा से। देख देख कौन आया, देख कौन आ गई। और हालत बाल कहीं हम कहीं, दिखाते हैं आपको बिल्कुल जंगल का रास्ता है गांव। जेवर जैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गांव वाला मंदिर है, जेवर जैसे रास्ता। मिट्टियों में तल है, बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही कोई गली, जेवर जैसे। और काफी कम लोग जानते होंगे कि तिजारा जी और महावीर जी के रास्ते में बसपा जाना नहीं पड़ता था, हम तो पहले ही बस अभी देखते हैं मंदिर कहाँ है। चुके हैं बसवा जी जैन मंदिर, अब पता नहीं यही है क्या, यही लग रहा है वैसे। आजा आजा, इसकी चप्पल कहाँ है? चीका क्या हुआ? पांच जने हैं ना, यहाँ का बाबा काला बाबा। हाँ काला बाबा के नाम से है। चलो अरे फोटो तो ले लो। जय श्री अम्मा। हम तो बहुत घूम गए, हमें मिला ही नहीं। बोर्ड लग रही है मैं तो। और ये अम्मा जी यहीं रहती हो आप? हाँ यहीं रहा। अच्छा अम्मा जी नाम क्या है आपका? नाम मेरा नाम, हाँ मेरा नाम भूरी है। अच्छा अम्मा जी ने बता दिया वरना हम और आगे चले जाते। हाँ शांति से मिलेगी। आओ हैंड वॉश कर लो। अरे आओ चलो, नहीं ले लिया। देखो इसमें से मिली थी क्या प्रतिमा है? ये अम्मा जी बताएंगी इसके बारे में। इसमें कुएं में से निकली होगी, कुआ है ना? नहीं अम्मा जी बताएंगे, आओ अम्मा जी से सुनेंगे इसकी कहानी। Yes.
पदम प्रभु भगवान की जय। अच्छा, यहाँ के लोगों से? यहाँ का लोग नहीं थे, यही आ गए। तो ये मंदिर पहले से बना हुआ था? नहीं, 900 वर्ष पहले बना है। अच्छा, मंदिर 900 साल पुराना। 900 साल पुराना। अब मूर्ति बाद में बना हुआ, पहले से ही है। हाँ, ये मूर्ति कितने साल हो गए? ये भी इतना ही दिन होगा, थोड़ा दिन बाद में। अच्छा, आगे काले बाबा से निकली यही से। चलो बेटा आओ, बगेरा गांव से निकली। हां, यही पास के मंदिर, अजमेर के पास। अजमेर के पास तो उन्होंने आना यहाँ था। ये अभी हम दर्शन करके आ गए हैं भोजनशाला में, और संभव जैन हमारे भाई जी ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करवाई है। तो आज का जो लंच है वो हम यहाँ करते हैं बसवा जी में, और उन्होंने हमारे लिए बनवाई है उड़द की दाल घिया। थैंक यू सो मच संभव जैन, अगर आप वीडियो देखें तो भाई बहुत बहुत, क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है। इस टाइम 4 बजने वाले हैं, बजी गए ऑलमोस्ट। और जो ये अम्मा जी हैं ना, ये वाली जो आप देख रहे हैं, वो बड़ी अच्छी हैं। उन्होंने हमें एक एक चीज़ बताई और मंदिर से यहाँ हमें ले करके आई, बहुत अच्छी हैं। अभी हम खाना खाएंगे, चलिए खाना लग रहा है। अभी हमारी ये है घिया की सब्जी, खा के देखियो मामा। चप्पल नीचे रखो बेटा। चीकू रोटी खा लेना दाल से बेटा, ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पर क्या आई है? ओहो हो,
ये है उड़द की दाल। कहाँ प्लेट कर खा लो फिर और ले लो। नहीं बस बोते बोते उधर दे दो नानू वानू और ये है उड़द की दाल, ये है घिया। हम खा के देखते हैं। चपाती आ जा, भूख और बढ़ गई है क्योंकि संभव ने हमसे पूछा था कि क्या बनवाना है और हमें एक चीज़ चाहिए थी हैवी, एक चीज़ चाहिए थी लाइट, तो हमने उड़द की दाल और टिंडे कह के बनवाया, वो सॉरी घिया टिंडे। और अभी हमें चपाती आ जाए, हम फटाफट खाते हैं। सोचा कि खाना ही इतना ज़बरदस्त है तो चाय कॉफ़ी भी यहीं पी के चले एक बारी। तो अभी ना जिस मंदिर में हम गए थे वो है काला बाबा के नाम से, और अभी इन्होंने बताया कि दो मंदिर और हैं, वो इससे भी बड़े मंदिर हैं। तो बस अब हम खाना, उन्होंने बोला कि पहले आप भोजन कर लो, भोजन ठंडा हो जाएगा, तो हमने भोजन करना है। अभी हम उस वाले मंदिर भी चलते हैं। और तो अभी आप आ रहे हैं ना महावीर जी से, आप होती जा रहा जीती जा रहे से महावीर जी, या महावीर जी आ रहे हैं बाइक कार हैं आप, तो बसवाजी जैन मंदिर आप डालें गूगल पे और ज़रूर आएँ। बाकी जो मंदिर है बहुत ही अतिशयकारी, जो मूर्ति है भगवान की कुछ तो है। और सबसे अच्छी बात यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे से प्यार से इन्होंने हमें खाना खिलाया ना, बहुत अच्छा। तो अभी दूसरे मंदिर के दर्शन कराते हैं, देखते हैं वो मंदिर भी कैसे। बहुत मतलब टेस्टी अलग है ना, मिर्च ना है भारीपन, बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, रोटी भी सब्जी भी बहुत अच्छी। मैं तो कह रही हूँ 2-3 महीने गांव में रह के मजदूरी करो, पतले हो जाएंगे। तो ये कभी हमें टीवी पे मतलब कोई न्यूज आई थी नहीं। We'll be right back.
दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम के रात के 7 और जस्ट 10 किलोमीटर और है महावीर जी मंदिर। पहुंच चुके हैं महावीर जी रूम में और ये है हमारा रूम, डबल बेड, टेबल, ये टेबल, बहुत सारी टेबल है। अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने, टाइम हो रहा है 8:15। हाँ, बेकार पानी की बात हो के उल्टियाँ हो रही हैं। चलिए थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, थकान हो रही है, पूरा दिन हो गया, सोएंगे, एक चक्कर तो काट के आना ही है, रेडी हो गए। चलिए चलते। और वही वाली धर्मशाला है जहाँ हम होली पर आए थे ना महावीर जी, तब रुके थे आर्य पानी बदले, वही वाली धर्मशाला, वही हमें रूम वो नहीं मिला, रूम थोड़ा सा आगे मिला उससे, दो रूम छोड़ के धर्मशाला हुई है। और मसाज नहीं कराए हैं हमारे रूम में मुजफ्फरनगर बैठे बैठे, तो हम इजीली आके फटाफट उठ गए अपने रूम में, थोड़ा सा मार्केट चलते हैं, जिसको कुछ खाना है छोटा पुटर, वैसे तो सबके पेट फुल हैं, जिससे जो खाना है खा लेगा, चाय पी लेंगे वरना अपने रूम पर वापस। तो अभी जो 8 बजे की रौनक है महावीर जी की, वो हम आपको दिखा देंगे, उन्हें उन्हें बता देते हैं चाचू को। चलिए, किससे बात कर रही है? चाचू। ठीक हो, किससे बात कर रहे हो? कौन से चाचू से? हन्नी चाचू। अभी मंदिर ही जाने लगे। एक ही लाइट हुई है। और ये है बॉडी हुई नहीं। रात का माहौल बहुत ही अच्छा। अभी जो लेना हो ले लो। सुनो, हमने यहाँ खाया था ना खाना रेस्टोरेंट में? नहीं, यहाँ खाया था वो तो हमें खाना जब होली पे। नहीं, हम नहीं खा रहे, मतलब मैं। कराए
मम्मी रात को नहीं खाती हैं, पापा नहीं खा रहे, ये मैं और बच्चे खाएंगे। मुझे नींद आ रही है बहुत टेस्ट है। भूख लग भी रही थी नहीं भी, पर हमने सोचा कि खा ही लेते क्योंकि अकेले खाने नहीं वाले थे। अगर मैं मना करती तो वो खाते ही नहीं, इसलिए हम सब खा रहे हैं और नींद आ रही है। खान होगी पूरे दिन, आज सोएंगे कल हम आराम सोते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कल हम पूरा दिन यही है। और अभी देखते हैं क्या आता है, हमने आलू का पराठा मंगाया है, अच्छी खासी यहाँ पर रौनक हो रही है इस टाइम। प्लीज मेरी नींद को इग्नोर करें। और नींद में झूमता एक साथ अच्छी और दिखाता हूँ। चेंज वगैरह कर लिया है और अभी बहुत तेज आ रही है, बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। अब मिलते हैं आपसे कल, नहा धो करके फ्रेश होके अच्छे से दर्शन करेंगे जब मैं आपके साथ मिलती हूँ। फिलहाल इस वाले वीडियो को यहीं एंड करती हूँ महावीर जी में, और कल का ब्लॉग होगा। मिलते हैं आपसे कल, बाय, गुड नाइट।